हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये पायदान सूतली से और दुपट्टे से बनाया गया है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितना सूतली लगा है और कितना दुपट्टा लगा है। और ये डोरमेट ना जिसको बिल्कुल भी नहीं बनाना आता होगा ना, इस बात की हम गारंटी देते हैं 100% कि जिसको नहीं बनाना आता होगा ना वो भी बना लेगा। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखना। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दुपट्टा लिए हैं, इसकी चौड़ाई ना 8.5 इंच की है। और एक और हम दुपट्टा लेंगे, ये पूरा 9 इंच की है, येलो कलर वाली। तो दो दुपट्टा हम इस डोरमेट में लगाए हैं, देख सकते हैं आप लोग, दो कलर की। और दो दुपट्टे में ना ये पूरा बन गया है, क्योंकि वॉइस ओवर हम बाद में कर रहे हैं, पहले हम डोरमेट बना चुके हैं। तो दो दुपट्टे में ये पूरा डोरमेट बना है। और सूतली ले लेनी है, इस तरह से सूतली को निकाल लेंगे और सूतली को कट कर लेंगे। इसकी लंबाई ना 3 मीटर है, इसको हम डबल कर लेंगे तो इस तरह से। और एक तरफ तो हम एक बराबर करके एक नोट्स लगा लेंगे और इसके दूसरे तरफ सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन को एक बार घुमाकर लगाना है और दोनों पट्टियों को एक में करके इस तरह से हम एक नोट्स लगा लेंगे। नोट्स लगाने के बाद अब हम इनमें फंदे बनाएंगे। फंदे को आपको ध्यान देना है, जो सेफ्टी पिन निकालना है ना वो सूतली के अंदर से ही निकालना है, ताकि ये एक नोट्स बन जाए। देखिए इस तरह से निकालना है। इस तरह से बनाते हुए हम 15 फंदे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 15 फंदे बना चुके हैं। अब इसको एक रिंग आकार बना लेंगे इस तरह से, और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम 2 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम कर लिए हैं। अब इसके बाद इन दोनों को जॉइंट करने के लिए यहाँ पर 2 फंदे बनाएंगे। अब इसके बाद जो पिछले लाइन में हम फंदे बनाए हैं उन्हीं फंदों में हम फंदे बनाएंगे। अब इसके बाद उसके बगल वाले फंदे में से फंदे बनाएंगे। तो इस लाइन में ना हर फंदे में से एक एक फंदा बनाते हुए ये लाइन तैयार करना है। और यहाँ पर सूतली ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर हम सूतली को जोड़ के दिखा दे रहे हैं कि सूतली किस तरह से जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद एक सूतली लेंगे, उसको भी हम डबल लपेटे हैं और इसके बीच से निकाल कर उस सूतली से एक नोट्स लगा लेंगे इस तरह से। और इसके बाद ना इसके बाद जो इधर बंद साइड है, इधर हम सेफ्टी पिन लगाएंगे जिस तरह से हम पहले लगाए हैं। सेफ्टी पिन को एक बार घुमाकर उस तरह से लगा लेंगे, तो इस तरह से सूतली को जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो पिछले लाइन में हम फंदे बनाए हैं उन्हीं फंदों में हम एक एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि अभी ना फंदे दूर दूर नहीं हैं, इसलिए ना हम प्रत्येक फंदे में एक एक फंदा बनाते हुए ये लाइन तैयार करेंगे। और हाँ, जो दुपट्टा है ना 2 कलर का, वो ना आप 1 कलर का भी ले सकते हैं। तो आप ना 1 कलर का अगर दुपट्टा लेते हैं तो आप 16 इंच की दुपट्टा लेंगे। अब देखिए इस लाइन में ना हम एक फंदे में 2 फंदा बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसमें एक फंदे में एक फंदा बनाएंगे तो काफ़ी दूर हो जाएगा फंदा, तो जो डोरमेट में झोल आता है ना इसी वजह से आता है, फंदे ज़्यादा दूर हो जाते हैं या जो फंदा बहुत ज़्यादा आप टाइट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाता है तो उसमें सिकुड़न आ जाता है, तो इसलिए ना इसी हिसाब से बनाना है।
यहाँ पर ना हम एक फंदे में दो फंदा बनाएंगे, इस तरह से ही लाइन तैयार करेंगे। अब इस लाइन में प्रत्येक फंदे में हम एक एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि पिछले लाइन में हम फंदे बढ़ाए थे। और इसी तरह से ना आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हैं। आप दो लाइन ना प्रत्येक फंदे में एक एक फंदा बनाएंगे, उसके बाद तीसरी लाइन में ना प्रत्येक फंदे में दो दो फंदा बनाएंगे। इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जितना बड़ा बनाना हो जब आप पूरा बना लें, ये काफ़ी बड़ा हम डोरमेट बनाए हैं, एकदम नॉर्मल साइज, बहुत ज़्यादा ना छोटा है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इसको ना इस तरह से इसलिए काटेंगे कि हम इसका रीजन भी बता रहे हैं कि इसको इस तरह से हम क्यों काटे हैं। अब देखिए ये जो यहाँ ऐसे काटे हैं ना, अगर एक पास से काट देते ना तो एक ही पास काफ़ी मोटा हो जाता, तो इसको इस तरह से काटे हैं ना तो लेबल में इस तरह से हम बना लेंगे तो एक ही पास ना ये जब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम इस तरह से काटे हैं। तो इस तरह से ना इसको बनाया जाएगा। और पूरा डोरमेट बनाने में ना दो कलर का दुपट्टा हम लिए थे, जिसमें से ना येलो वाला दुपट्टा भी थोड़ा सा बच गया है, रेड वाला तो ज़्यादा नहीं बचा है, बट येलो वाला दुपट्टा थोड़ा सा बचा है, एक पीस बचा है, जो एक साथ ही 9 इंच की पट्टी काटे थे वो एक पीस बच गया है। तो इस तरह से ना दो दुपट्टे में ना आप आराम से बना सकते हैं मीडियम साइज, और ना ये डोरमेट छोटा भी नहीं है। तो इस तरह से दो दुपट्टे में अगर आप साड़ी की पट्टी से बनाते हैं तो आपको एक साड़ी भी नहीं लगेगा, और बस सूतली आपको सूतली ना आप 500 ग्राम ले लेंगे ना तो एक डोरमेट बना सकते हैं आराम से, और उसमें से ना बच भी जाएगा क्योंकि हम 500 ग्राम लाए थे तो अभी पूरा नहीं लगाया। और सूतली ना बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा, आपको 500 ग्राम 50 रुपये का मिल जाएगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। और साड़ी ना आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये नहीं कि आप जो रेशा निकलती है उस साड़ी से भी आप बना सकते हैं इस डोरमेट को। तो इस तरह से ये डोरमेट बनाया गया है। देखिए ये डोरमेट बना दिए हैं हम पूरा फाइनल। और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद जहाँ कहीं भी समझ में न आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।